कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में पैदा हुए। 1999 में जब कारगिल में जंग शुरू हुई तो 17,000 फीट की बुलंदी पर उन्होंने हिंदुस्तान की फौज पर इस वक्त हमला किया जब वो बासानी पाक फौज कैप्टन कर्नल शेर खान की बटालियन की नकलो हरकत को देख सकते थे। इनका हमला मुखालिफ फौज के लिए न सिर्फ हैरान कुन था बल्कि इंडियन आर्मी को बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी कि इस तरह से भी कोई फौजी अफसर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की चौकियों को घेरने की कोशिश की जिसके जवाब में कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फौज पर हमला कर दिया। इनकी 2 बटालियन ने हिंदुस्तान की फौज से न सिर्फ अपने 5 चौकियों को महफूज बनाया बल्कि इनकी कई चौकियों पर कब्जा भी किया और हिंदुस्तानी फौज को इनके बेस कैंप तक वापस धकेल दिया। अलबत्ता 5 जुलाई 1999 को कर्नल शेर खान की चौकी एक बार हिंदुस्तानी फौज की जद में आई। इस दौरान वो मशीन गन की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए और इनकी शहादत हो गई। शहादत के वक्त कर्नल शेर खान शहीद की उम्र 29 साल 7 माह थी। कारगिल जंग के हीरो ने अपने खून से दिफाए वतन की लाजवाल तारीख रकम की। मुल्की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले इस बहादुर सपूत को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया।